फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था एक स्कॉलरशिप के बारे में, FAEA स्कॉलरशिप, फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट एंड एक्सेस स्कॉलरशिप, इसके रिगार्डिंग कल एक वीडियो बनाया था। प्राइवेट स्कॉलरशिप में चार प्राइवेट स्कॉलरशिप बताया था। आज इस स्कॉलरशिप के बारे में एक सेपरेट वीडियो रहने वाला है। फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ट्यूटोरियल के साथ इस वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर अभी तक आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भरे हैं, जानते नहीं हैं, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसका जो लिंक है आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, scholarshipworld.com आपको लिख के सर्च कर देना है। स्कॉलरशिप वर्ल्ड लिखेंगे, पहली साइट है कि उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने बताया था, सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्राइवेट स्कॉलरशिप। ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो प्राइवेट संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप है। अभी मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा गया है FAEA स्कॉलरशिप 2023 इस लिंक पे क्लिक करेंगे जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे मैं इस चीज ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट आया उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में आसान हो। FAEA इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप स्पॉन्स बाय टाटा, मतलब जो स्पॉन्सर्ड किया गया वो टाटा एंड ग्रुप्स की जो कंपनी है, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है सेशन 2023 के लिए। इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, टू परस्यू का मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट में परस्यू हुए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, ठीक है। इन आर्ट्स कैटेगरी में भी हो सकते हो, कॉमर्स से भी हो सकते हो, आप बी कॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एनी एक्स्ट्रा किसी भी कोर्स आप कर रहे हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन इन एट एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। आप रेगुलर फॉर्म में होने चाहिए इन कॉलेज में, अगर पढ़ रहे हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऑल स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकता है। अब इसमें परसेंटेज क्या मांगी गई है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी वगैरह में देख सकते हैं, हम लिखे स्टूडेंट हैव पास क्लास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ, आप किसी बोर्ड से पास हो चलेगा, सीबीएसई, आरबीएसई एक्सेट्रा, किसी बोर्ड से हो। लेकिन यहाँ बोला गया इंडिया फर्स्ट ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ऑन रोल, स्टूडेंट बिलोंग द सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन SC ST OBC बीपीएल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे SC ST OBC या बीपीएल कैटेगरी में अगर है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे सुनिएगा यहाँ पे, इन एडिशनल वी हैव सम नीड कम मेरिट बेस्ड फाइनेंशियल ग्रांट्स फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं, यू आर कैटेगरी में, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन 90% मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 90% मार्क्स चाहिए इन द हायर सेकेंडरी एग्जाम, आपके क्लास 12th में 90% मार्क्स आपके चाहिए होंगे। 90% कब, जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसके लिए चाहिए। 90% आपका सिलेक्शन होगा, 90% से ज़्यादा चाहिए रहेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, 90% इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए होगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए SC ST OBC पीपल कैटेगरी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन अब जनरल स्टूडेंट के लिए है बोला है यहाँ पे, स्पेशली तो जनरल स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड 90% चाहिए रहेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल, 50 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। हालांकि बहुत कम है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, पैसा भरने की जरूरत नहीं है, पैसा लगेगा नहीं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर, जिससे भी आपकी इच्छा अप्लाई कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस रहेगा जो आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। 50 रहेगा कि परसेंटेज अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, OBC SC के परसेंट नहीं मांगा गया है, उसके लिए कितना भी आपका अगर 50, 60, 70% भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरल वाले अगर हैं 90% ज़्यादा होगा तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, बिल्कुल पैसा मिलेगा, ये ध्यान रखिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस, हॉस्टल फीस सब कुछ मिलेगा। जैसे मैंने बोला फीस रिफंड आपको मिलेगा यहाँ पे कंप्लीटली। हाउ टू अप्लाई कैसे करें, लास्ट डेट 30 जुलाई 2023 तक है, ये आपने समझ लिया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, सॉरी पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो अभी फॉर्म भरने में हालांकि इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा,
हालांकि क्लास 12 की आपको वो देना पड़ेगा परसेंटेज, आपके फोटोग्राफ्स वगैरह देने पड़ सकते हैं। अभी हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, लाइक टू बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, आपकी क्लास 12 की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, कच्ची मार्कशीट है जो आपका फॉर्म में रहता है प्रोविजन, वो भी आपका चलेगा अगर नहीं आई तो अभी, ठीक है। तीसरी चीज कॉलेज की फीस, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का फीस सीट होना चाहिए। इतना कुछ डॉक्यूमेंट इनफ रहेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए इस चीज़ को अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही चुका हूँ, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा ई वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है रजिस्टर ऑनलाइन FAEA स्कॉलरशिप, आपको इस पर क्लिक हेयर कर देना है। जैसे इस पर क्लिक हेयर करेंगे थोड़ा सा लोड करेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, चाहो तो आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हेयर टू, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा पहले ऑप्शन पे। करने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको नेम ऑफ कैंडिडेट आपका अपना जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी लिख देगा, ईमेल आईडी जो भी है उसको आप लिख देंगे, एंट्री ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, और वेरिफिकेशन करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस क्या आएगा मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट इंटरफेस देख लो जी, ये आपका आ जाएगा, जैसे आप फ्रेश वाला कर देंगे उसके बाद फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हेयर टू कॉम्प्लेक्स एरियाज, ठीक है। पहले आपको फॉर्म को रजिस्टर करना है, उसके बाद जब फॉर्म को रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल आईडी दोबारा देनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, वेरिफिकेशन आप करना है, उसके बाद सबमिट करना, आपके सामने पूरा पेज आपको खुल जाएगा। उसमें आपको एजुकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी उसको आपको कंप्लीट भर देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। 30 जून लास्ट डेट है, अप्लाई कर लीजिए, बेनिफिट रहेगा आप सबके लिए, अच्छी खासी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अब तो अगर कहूँ तो अमाउंट के बारे में लिखा नहीं, लेकिन अच्छी खासी अमाउंट है, 25 से 50 हज़ार के बीच आपको अमाउंट मिल जाएगा। डेफिनेटली सिलेक्शन होंगे तो आगे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप इस प्रकार की स्कॉलरशिप में आगे बढ़ सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, रिन्यूअल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।